बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज तकरीबन व्लॉग में 3 बजने वाले हैं, इस टाइम शुरू कर रहा हूँ। ये जो इफ्तारी का सामान वगैरह काटना था वो मैंने अभी काटा है, सब्ज़ी वगैरह काटी है। क्यों, जब से रमज़ान आया है तो शाम का जो खाना है, जितना भी किचन का काम है वो मैं ही करता हूँ, कि मेरा शौक़ है। तो आज भी सिर्फ आलू बैंगन है वो पकाने हैं। इसमें जो हमें शामी बनानी है वो पकने के लिए रखेंगे। इसमें पहले पानी डालेंगे, पानी इतना जिसमें ये पक जाए, तो इसमें बगैर हड्डी से बोल जाएगा। ये चिकन है तो शायद इसमें ही आलू जाएंगे। आलू मैंने धो के रखे हुए थे और इसमें ज़्यादा सामान नहीं जाता है, सिर्फ ये चिकन है और आलू है और ये काली मिर्च, जितना आप पसंद करते हैं। तो सिर्फ एक नमक जाएगा इसमें। बस ये दो चीज़ें जाती हैं इसमें। आज छठा रोज़ है तो माशाल्लाह 5 रोज़े गुजरे हैं, उसमें जितना भी इफ्तारी का काम किया 5 रोज़ में तो मैंने ही तैयार किया है। तो आज भी मेरा मूड था, मेरा दिल कर रहा था बनाने को, तो इसीलिए शुरू हो चुका हूँ। तकरीबन अभी 4 बजे हैं तो असर के टाइम तक हम इसको मुकम्मल कर देंगे। बस ये मसाला भून के फिर इसमें वो बैंगन और आलू डाल के फिर इसको 5 से 10 मिनट के लिए वेट लगा देंगे। पानी में भी भिगो के रखी हुई है, वरना ये बैंगन पानी के बगैर ब्लैक हो जाते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए इनको भिगो के रखा हुआ है पानी में। ये देखो पानी खुश्क हो चुका है, सिर्फ थोड़ी सी कसर रहती है, इसको भी मुकम्मल करेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल खुश्क करना है इसको। ये खुश्क हो चुका है तो अब इसको ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रखेंगे, फिर उसके बाद इसको मैश करेंगे अच्छे तरीके से। तो अभी तक ये गर्म है, मैश नहीं होगा अच्छे तरीके से। ये देखें माशाल्लाह हमारा सालन बैंगन आलू बैंगन तैयार हो चुके हैं, तो इससे तो हम फारिग हो चुके हैं, बस वो अब शामी रह गई है। छोटे छोटे जरों में करना होता है इसको, गोश्त को थोड़ा सा पसीना जाएगा, किसी की खूबसूरत जो खूबसूरत खुशबू होती है वही इसमें मज़ा दिलाती है, और साथ थोड़ा सा भी मिल जाएगा। तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है।
देखें ऐसा कलर जब दोनों तरफ आ जाएगा, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत कलर आएगा इनका। तो फिर उसके बाद इसको उतारना है, तो अभी तो फिलहाल टाइम लगेगा इनको। ये देखें ये तैयार हो चुकी है, तो इसको हम एक टोकरी में निकाल लेंगे, ऐसी टोकरी होगी उसमें निकालते जाएंगे। उम्मीद है ये सब तैयार हो चुकी हैं। अभी फ़ारग हुआ था, असर की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद कुछ बाहर का माहौल देखने के लिए आया था, क्यों बादल हो रहे थे और मौसम खुशगवार नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा कुछ बाहर का माहौल देखाएं। और आज हमने इसको पानी भी लगाना था, तो लेकिन पानी मिलने की जो सूरत हाल है वो है मगरिब के बाद की, लेकिन उस वक़्त थका होते हैं, जिसम थकावट में होता है इफ्तारी के बाद, तो दिल नहीं करता, तो इसलिए आज किसी के ज़िम्मे लगाया हुआ है, तो वो पानी लगा देंगे मगरिब के बाद। तो ये दो दिन में हमने दो या तीन दिन में ये चारा जो था ये काटा है, बाकी आगे काटने के लायक नहीं है क्यों छोटे हैं। इफ्तारी के टाइम जो वीडियो मैंने बनानी थी वो मैं बना नहीं सका है, क्यों सामने जब इतना कुछ पड़ा हो तो जो वो आखिरी टाइम होता है काफ़ी मुश्किल होता है, तो उस वक्त कुछ भी याद नहीं होता है सिर्फ खाने के अलावा। तो कुछ सीन ऐसा था हमारे साथ, तो खाने में जब मसरूफ़ हुए तो वीडियो बनानी कुछ याद नहीं रही, तो जब खा लेते हैं फिर बाद में याद आता है कि कुछ रह गया आज भी, तो वही चीज़ थी जो हमने बनाई थी। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, तो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।